आज तक आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि संयम है कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन कानपुर में तैनात LIU सिपाही धर्मेंद्र यादव ने तो कहानी ही बदल दी। कहते हैं गलत काम को रोकना और अच्छी शिक्षा देना एक पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन जब पिता ही गुंडई में बेटे का साथ देने लगे तो अंदाजा लगाइए बेटे का हौसला कितना बुलंद हो जाएगा। एक बार इस शख्स को देख लीजिए, इसका नाम है आयुष द्विवेदी। इसके शरीर का घाव हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीन मानिए जिस हिसाब से इस शख्स को पीटा गया उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। युवाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो आम बात होती है, लेकिन अगर वर्चस्व की लड़ाई की वजह से लोग हैवान बन जाएं तो सोचिए आगे चलकर वो क्या करेगा। आरोपों की माने तो कानपुर में LIU पुलिसकर्मी धर्मेंद्र यादव के बेटे हिमांशु ने अपने विरोधी आयुष द्विवेदी को बुरी तरीके से पीटा, उसे पेशाब पिलाई थी। अब इस मामले में एक और खुलासा सामने आया है। बेटे के लिए तालिबानी अंदाज में सिपाही धर्मेंद्र यादव ने चप्पल में थूक कर आरोपी को चटवाया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिपाही धर्मेंद्र यादव उसके बेटे के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि LIU में तैनात हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने भी बेटे के विरोधी आयुष को पीटने के साथ साथ अपनी चप्पल पर थूक कर उसको चटवाया था। इस दौरान धर्मेंद्र का बेटा हिमांशु लगातार आयुष को बेल्टों से पीटता रहा और बाद में उसे अपना पेशाब तक पिला दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सिपाही धर्मेंद्र यादव के बेटे के दोस्त नंदू को गिरफ्तार किया है। सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले आयुष द्विवेदी को वहीं के रहने वाले सिपाही धर्मेंद्र यादव के बेटे हिमांशु ने पहले एक लड़की के इंस्टाग्राम ID बनाकर उससे दोस्ती की, फिर उसको झांसा देकर होटल लैंडमार्क के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां से हिमांशु ने अपने दोस्तों के साथ आयुष का इनोवा कार में अपहरण कर लिया। उसको शहर की सड़कों पर कार में घूमते हुए बेल्टों से पीटा गया। इसके बाद उसको पेशाब तक पिलाने के आरोप लगे हैं। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली है आयुष द्विवेदी नाम के एक लड़के को 7-8 लड़कों ने जबरदस्ती उठा लिए हैं, मारे पीटे हैं और उसे अमानवीय व्यवहार किए हैं। इसमें प्रमुख भूमिका सनी यादव करके एक लड़का है जो हमारे LIU कांस्टेबल है, उनका लड़का बताया जा रहा है। जो LIU कांस्टेबल है उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, उनके ऊपर भी मारपीट का आरोप है। इस प्रकरण में तत्काल कठोर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। जो LIU कांस्टेबल है उनके भूमिका को जांच करने के लिए मैंने कह दिया है, अगर वो जांच में आरोप में सही पाया गया तो उनके खिलाफ भी कानूनी और विभागीय कार्रवाई कठोर की जाएगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी गुंडागर्दी कहीं भी शहर में होती है तो उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे जिसका कोई भी बैकग्राउंड है। और अगर ये घटना फर्दर इस पर हम इन जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी, उनको जिला बदर भी किया जाएगा। सर, इसमें जो आयु है इसके ऊपर 307 का पहले से मुकदमा चल रहा था, अभी तक इसको गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तो इसमें क्या लगता है? देखिए, इसमें निसंदेह जब पिछली घटना हुई थी उसके बाद से ही दोनों पे नज़र रखनी चाहिए थी, गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। वो एक अलग वश विषय है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद अपने से कानून का फैसला करने लगेंगे। आयुष द्विवेदी पे अगर अपराध था तो उसके अनुसार भी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने ये अपराध किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं इस घटना के बारे में आयुष के दोस्त ने कई अहम खुलासे किए हैं। घटना के बारे में बताया कि कैसे उसके और उसके दोस्तों के साथ हैवानियत की गई, उनके ऊपर पेशाब किया गया और इस दौरान कैसे LIU कांस्टेबल अपने बेटे के साथ संपर्क में था। सर, हम लोग वहाँ लैंडमार्क के पीछे किसी से मिलने गए थे, वहाँ पे आयुष को पकड़ लिया गया, उसको वहाँ पे पहले रोड पे काफी मारा, उसके बाद जब वो नहीं कार में बैठ रहा था तो कार में बैठाने के लिए एक चाय के पतीले से उसको के सर पे मारा, मेरे भी मारा। फिर हम लोगों की गाड़ी वहाँ गिर गई थी, गाड़ी गिरने के बाद उसको जबरदस्ती कार में बंद लिया। कौन लोग थे ये लोग? भैया, हिमांशु के साथ के काफी लोग थे जिसमें मोहित था और हिमांशु थे। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को कार में बैठा ला, आगे ले गए एक किसी जंगल में ले गए। वहाँ पे एक पाइप रहता है वो रबड़ का था, उससे आयुष को काफ़ी मारा, उसकी टी शर्ट उतार दी पूरी। उसको मारने के बाद जब वो बेहोश टाइप का हो गया तो उसके मुंह पे मूत दिया, उसको पानी नहीं पूरे रास्ते पिलाया। उसको मुंह पे मूतने के बाद उसको किनारे बैठा ला, पानी यानी पिलाया, फिर कपड़े उसके उतरवा के उसके पीछे साइड पे केवल डंडे ही डंडे से मारा है। जब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था उसके बाद उसके कान में थप्पड़ मारा तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब सुनाई नहीं दे रहा था उसने कान के में एक पतली सी डंडी थी वो पूरी ठूस के डाल दी, कि फिर आयुष ने हाथ हटाया कि हटाओ भैया, सुनाई नहीं दे रहा, कान का पर्दा फट जाएगा। तो उसके बगल में एक सामान लगाया
सामान लगा के कहते हैं कि आप सुनाई दिया कि नहीं, उसने सामान मतलब भैया कट्टा लगाया था। जब कट्टा लगाया तो उसने कहा कि भैया ये सब ना करिए, जान अन चली जाएगी, मम्मी पापा घर पे हैं। बताया जब तब तक में उन्होंने एक फायर मार दिया, हम लोगों ने मना करने पे मेरे को मारा, मेरे यहाँ चेस्ट पे बैठा के टॉयलेट कर दी थी। आयुष को जबरदस्ती मुंह में पेनिस दे रहे थे, हमारे मना करा तो हमें बहुत मारा, मेरे पैरों पे डंडे डंडे। आपको ले गए थे फिर उसके बाद कहाँ छोड़ा इन्होंने? भैया हमको ले गए थे उसके बाद ये यहाँ पे हिमांशु के पिताजी के पास, धर्मेंद्र यादव जी के पास। धर्मेंद्र यादव को क्या ये लोग बार बार फोन करके सारी जानकारी दे रहे थे? धर्मेंद्र यादव को फोन कर करके जानकारी दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर हम रखेंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।